वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सभी भाइयों से एक ऑनेस्ट सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब पूरी सच्चाई से दीजिएगा, ठीक है? और वो सवाल ये है कि मेरे दोस्त, अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, आप प्यार करते हो उनसे, तो क्या आप उन्हें इग्नोर कर पाओगे? क्या आपके लिए पॉसिबल होगा उनसे बिना बात किए रहना, उनसे बिना मिले रहना? तो मेरे भाई, किसी लड़की के द्वारा भी इग्नोर होना अपने आप में ही बहुत कुछ बोलता है। तो भाई, किसी को आप इग्नोर कब कर सकते हो? जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल एग्जैक्टली सामने वाला इंसान भी आपके साथ यही कर रहा है और आपको इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और लड़कों को प्यार की जगह सबसे बड़ा चूतियापा सिखाने वाला इस दुनिया में जो सबसे बेकार चीज़ है, वो है बॉलीवुड, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बॉलीवुड की पिक्चरों में कि भाई, लड़की अगर इग्नोर कर रही है तो आप उससे ज़िद करते रहो, अलग अलग नंबर से कॉल करो, मैसेज करो, अपने दोस्तों से मिलवाओ, कुछ भी करवाओ, देखना इग्नोर करना बंद कर देगी। ये सब जो बेवकूफ़ी है ना, ये बस बॉलीवुड में है, क्योंकि उनको तो अपनी पिक्चर 3 घंटे में ख़त्म करनी होती है। लेकिन यहाँ तो हमारी रियल लाइफ और रियल फीलिंग्स का सवाल है। लेकिन हम लोग बॉलीवुड से सीख के यही चीज़ें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट भाई, मैं समझ सकता हूँ, दुख पता है कब होता है? जब एकदम से वो इंसान पहले हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन, हमारी तरफ बहुत ज़्यादा लाइकिंग दिखाता है, बट ऑल ऑफ अ सडन हमारी किसी छोटी सी गलती, या कभी कभार कोई गलती नहीं भी होती है, उसके बाद हमें इस तरह से इग्नोर करता है जैसे हमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और बेसिकली मैं आपको सच बता रहा हूँ, ज़्यादातर लड़कियाँ एक्चुअली आपको तब इग्नोर करती है जब वो आपको पहले ही, वो आपसे दूर जाना चाहती थी बट उन्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा था, बट अब फाइनली आपने उन्हें एक बहाना दे दिया। और मेरे भाई, मैं आपको सही बताऊं, ये कब होता है? जब आप एकदम से बहुत ज़्यादा अटेंशन और उनको केयर देने लगते हैं, और उसी समय उस लड़की को अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं इस लड़के से अच्छा लड़का पा सकती हूँ, अगर ये लड़का इतनी आसानी से मेरे पीछे पड़ सकता है तो इसका मतलब इससे अच्छा लड़का ही मैं डिज़र्व करती हूँ। और कई सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि आपके होते होते उसे किसी और आपसे बेहतर लड़के का अटेंशन मिल जाता है और वो सिंपली आपकी। बट अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस सिचुएशन का ओनली सल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए जब आपको कोई लड़की इग्नोर कर रही है और आपको अब वैसे भाव नहीं दे रही है जैसे पहले देती थी। तो जब मेरे भाई कोई लड़की आपको इग्नोर कर दे, तो उसमें सबसे पहले आप एक चीज़ अपने मन में क्लियर कर लो, अंदर भले कितना भी ज्वालामुखी फट रहा हो, कितनी भी अंदर से हालत ख़राब हो, बट बाहर और सामने वाला और उस लड़की को कभी भी ये मत फील होने देना कि अरे तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ गया। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम जितना कैजुअली एक्ट करोगे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इट इज़ ओके, तुम जाना चाहती हो तुम जाओ। जब तुम अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो एक्चुअली जहाँ पे सामने वाले ने सोचा था वो तुम्हारी वैल्यू कम कर देगा, तुम एक्चुअली खुद से उठ के अपनी वैल्यू बढ़ाते हो जब तुम आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड रखते हो। और भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ, कोई इग्नोर कर रहा है ना, तो उससे रिवेंज का सबसे बेस्ट तरीका है दैट यू इंस्टेंटली मूव ऑन टू अ न्यू गर्ल। यानी जैसे ही उसने इग्नोर करना स्टार्ट किया तो आप नई बंदी के साथ घूमने लगो, क्योंकि भाई देखो, सामने वाले ने तो तुम्हारी आरती उतारी नहीं है तो तुम भी उसकी आरती मत उतारो। ऐसे हो जाओ मतलब बिल्कुल कैजुअली कि अच्छा हुआ भाई तुम चली गई। मैं सही बता रहा हूँ, हो सकता है कई लोग बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, लेकिन भाई जब सामने वाला तुम्हारी लगा रहा है तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तुम उसे हर्ट नहीं कर रहे हो बट खुद को तो बेटर फील करा सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि मेरे भाई, आप लोग अपने पास बैकअप में और भी लड़कियों से दोस्ती रखो। आपका अगर कोई मेन फोकस है तो उसके आसपास आपके पास 3-4 लड़कियां और होनी चाहिए जिनसे आप रैपिडली कॉन्वर्जेशन में हो। कोई आपकी दोस्त है, कोई बहन बनना चाहती है, किसी को आप अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बना रहे हो, तो इसीलिए आपके पास बैकअप हमेशा होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर कोई एक लड़की ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर कर दे, ताकि अगर कोई लड़की गलती से आपको इग्नोर कर भी दे तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा जब आपके पास और 3-4 बैकअप में होंगी। मैं मानता हूँ बहुत कैरेक्टरलेस चीज़ लग सकती है आपको, बट ये काम करता है भाई। भाई बीमारी के टाइम पे भी तो कड़वी दवाई खानी पड़ती है ना। तो भाई, अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो अब मैं बताता हूँ उसका अटेंशन आप कैसे लो, वापस कैसे आप उसका ध्यान अपनी तरफ खींचो और अपने आप को इग्नोर होने से आप बचा सकते हो। तो किसी को भी अगर आप चाहते हो कि वो आपको इग्नोर करना बंद करे, उसकी सिर्फ एक ट्रिक है कि आप अपने अंदर चेंज दिखाओ, क्योंकि अटेंशन ही लेना
इग्नोर होने का सबसे बड़ा सल्यूशन है, और अटेंशन लेने के लिए आपको रैपिड चेंज दिखाना है। वो आप कैसे करेंगे? खुद को बेहतर बना के, नई नई लड़कियों से मिलके, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करके, अपने ओवरऑल अपीयरेंस पे थोड़ा सा काम करके। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रातों रात आप जादू कर लो, बट थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। जैसे यू नो, यू कैन गेट अ बेटर हेयर कट, या मे बी अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी पढ़ाई की तरफ एकदम से थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लीजिए। इससे क्या होता है, जिस लड़की ने आपको इग्नोर किया होगा, सबसे पहले तो उसे लगने लगा होगा अरे मेरे जाते ही ये तो बेहतर हो गया। और दूसरी चीज, एकदम से यू नो व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर इन क्लास, एकदम से जब आप अच्छे लड़कों की लिस्ट में आ जाओगे अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होगा, एकदम से यू नो बाकी की लड़कियां, बाकी के बच्चे, सब लोग आपसे अपने डाउट्स पूछने आएंगे, टीचर्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इस तरह से यू नो आप छोटे छोटे चेंजेस दिखाओगे ना, तो जिसने आपको इग्नोर किया है वापस उसका टेंशन आपकी तरफ ना चाहते हुए भी आ जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, सामने वाली लड़की जब वापस आपके साथ इग्नोर करने के बाद आपकी इंप्रूवमेंट देख के आपके पास आती है, तो कभी भी उसको वापस उस प्रायोरिटी पे मत डालिए, टॉप पे मत डालिए। उसको ऐसा दिखाइए कि अब उसे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो आपके साथ उसी रिलेशनशिप में वैसे ही उसी स्टेट पे वापस आ पाए। तुरंत आते ही एकदम से नहीं अपने आप को, हाँ मैं तो तुम्हारे लिए ही किया था, ऐसा मत करना, ये गलती मैंने भी की है। इग्नोर होने पे कभी भी यू नो लड़की के साथ बहुत रूडली बात मत करना, ऐसे करना बिल्कुल लेट गो, ऐसे जाने दो। क्योंकि देखो, अगर आप सही टर्म्स पे यू नो सही टर्म्स मतलब बिना लड़े अगर बात बंद करते हो, तो फ्यूचर में आगे चल के आपके पास चांसेस होते हैं कि आपकी शायद वापस बात शुरू हो जाए और कुछ बात भी बन जाए। लेकिन अगर लड़ाई कर ली मतलब सब खत्म। और भाई एंड में अगर तुम लोग यहाँ पहुँच गए हो तो मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया तो इसका असली मतलब पता है क्या है? कि मेरे दोस्त आप इग्नोरेबल हो, आप ऐसे हो जिसे इग्नोर किया जा सकता है। बुरा मत मानना, वीडियो पे टिके रहो, आपने एक्चुअली अपने आप को इररिप्लेसिबल नहीं बनाया है, आपने अपने आप को शायद बाकी के लड़कों से बेटर नहीं बनाया है, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर पाई। और भाई क्या आपके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो यू नो आप फिर भी अंदर से चाहते हो कि वो मुझे इग्नोर करना बंद कर दे? हाँ मैं जानता हूँ, हमारा दिल है, हमें लगता है कि भाई हमें ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, अगर जो इंसान सच में अपने आप की वैल्यू करता है और खुद से बहुत प्यार करता है ना, वो कभी भी ऐसे इंसान की तरफ पलट के ना थूकता भी नहीं है जिसने उसे एक बार अवॉइडेबल, लो वैल्यू और इग्नोरेबल फील कराया हो। और भाई आप मेरे भाई हो, अपने अंदर कम से कम इतना तो एटीट्यूड रखो कि सामने वाले को कुचल के चले जाओ अगर वो आपके साथ कुछ बुरा करता है तो थोड़ा कम इमोशनल बनिए। कई बार अपने इमोशंस को सप्रेस करना होता है ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर स्टेज पे पहुंच पाए। तो भाई एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि ऐसे इंसान बन जाओ जो एक्चुअली कोई भी लड़की इग्नोर ना कर पाए। और भले ही अभी उसने आपको इग्नोर कर दिया, आप आगे बढ़ जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओ। और मैं सही बता रहा हूँ, कम से कम आप उस लड़की के दिल में ये छोटी सी रिग्रेट छोड़ सकते हो कि शी लॉस्ट द बेस्ट मैन। और वो बस तभी होगा जब आप इतने बेस्ट बन जाओ हर तरह से कि उसकी लाइफ में कोई भी लड़का आ जाए आप उससे बेटर ही रहोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में नोटिफिकेशन वाली बेल को जरूर दबा दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।